ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसकी शादी एक वृद्ध आदमी से होती है, पर वो आदमी उसे टच नहीं करता, जिसकी वजह से वो लड़की अपनी हवस पूरी करने के लिए एक अनजान आदमी के साथ खपागप करती है। हेलो दोस्तों, आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं उस मूवी का नाम है लेडी मैकबेथ, जो 2016 में रिलीज हुई थी। मूवी स्टार्ट होती है और हम एक लड़की को देखते है जिसका नाम कैथरीन था। कैथरीन की शादी एलेक्जेंडर नाम के एक आदमी से होती है। वो एज में कैथरीन से बहुत बड़ा था। वो बोरिस का बेटा था और इंग्लैंड में अपने फादर के साथ रहता था। वो एज में कैथरीन से बड़ा था, पर वो एक बहुत बड़ी संपत्ति का मालिक था। शादी की पहली रात को एक एना नाम की मेड कैथरीन को तैयार करती है। वो उसे कहती है कि क्या तुम नर्वस हो? तब कैथरीन कहती है कि नहीं, मैं ठीक हूँ। इसके बाद वो कमरे में जाके अपने पति का इंतजार करने लगती है। थोड़ी देर बाद एलेक्स अपने कमरे में आता है। वो उसे पूछता है कि तुम्हें ठंड तो नहीं लग रही, क्योंकि रात को यह कमरा बहुत ठंडा हो जाता है। कैथरीन कहती है कि नहीं, मैं ठीक हूँ। इसके बाद एलेक्स कहता है कि आज से तुम घर में ही रहोगी और बाहर बिल्कुल भी नहीं निकलोगी, और यही तुम्हारे लिए सही रहेगा। पर कैथरीन कहती है कि मुझे बाहर ताजी हवा बहुत पसंद है। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी करती, एलेक्स कहता है कि अपने कपड़े उतारो। तो कैथरीन अपने कपड़े उतारती है, लेकिन इसके बाद वो उसे कुछ नहीं करता और सो जाता है। जैसा कि एलेक्स ने कहा था, कैथरीन को घर में रखा जाता है। उसका बाहर निकलना बंद था। वो घर उसके लिए किसी जेल से कम नहीं था। रात को वो अपने पति के साथ बेड पर ही सोती थी, लेकिन उनके बीच ऐसा कुछ भी नहीं होता था। एलेक्स और उसके फादर की आपस में बिल्कुल नहीं बनती थी, इसलिए बोरिस कैथरीन से कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन एलेक्स को बच्चा मत देना। एलेक्स रात को देर से आता था। एक रात जब वो कमरे में आता है, तब वो फिर से कैथरीन को अपने कपड़े उतारने को कहता है। तो कैथरीन अपने कपड़े उतारती है। इसके बाद वो उसे दीवार की तरफ देखने को कहता है और बस कैथरीन को बिना कपड़ों के देख के हिलाने लगता है। फिर एक दिन एलेक्स और बोरिस किसी काम से बाहर चले जाते हैं और कैथरीन इस घर में अकेली थी। बस उसके साथ एना नाम की एक मेड थी, इसलिए उसे अब रोकने वाला कोई नहीं था। इसलिए वो घर से बाहर निकलती है और ताजी हवा लेती है। एक दिन उसे कुछ आवाज सुनाई देती है, तो वो फौरन वहाँ पहुँचती है, जहाँ वो देखती है कि कुछ आदमी एना को परेशान कर रहे थे। वो उनके नौकर थे, जिसमें से एक सेम नाम का आदमी कैथरीन को बताता है कि वो एक सुअर का वजन कर रहे हैं, पर असल में वो एना थी। तो कैथरीन फौरन एना को छोड़ने को कहती है, लेकिन यहाँ कैथरीन सेम की तरफ अट्रैक्ट हो जाती है और अगले दिन उसे मिलने के लिए बुलाती है। जब सेम घर आता है, तो पहले तो कैथरीन काफी डर जाती है और उसे वहाँ से चले जाने को कहती है, पर सेम जबरदस्ती घर में आ जाता है और कैथरीन के साथ जबरदस्ती करने लगता है। वो उसे किस करता है। इसके बाद कैथरीन भी खुद को रोक नहीं पाती और यहाँ वो दोनों खपागप करते हैं, और अब इनका अफेयर यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। एक सुबह एना जब कैथरीन के कमरे में आती है, तब वो देखती है कि कैथरीन की ड्रेस फर्श पर पड़ी है और वो बिना कपड़ों के सो रही है। उसने ऐसा पहले कभी नहीं देखा था। वो बिना कपड़ों के कभी नहीं सोती थी, इसलिए वो ये बात पादरी को बताती है। तो पादरी एक दिन कैथरीन के घर आता है और वो कैथरीन को चेतावनी देने का प्रयास करता है, लेकिन वो उठकर वहाँ से चली जाती है। और इसके बाद वो सैम के साथ खपागप करना जारी रखती है और ये सब एना की नजरों के सामने हो रहा था। एक सुबह एना कैथरीन को खबर देती है कि बोरिस लौट आया है। वो खेतों में गया है और रात के खाने तक लौट आएगा। जब वो रात को घर आता है, तो उसे कैथरीन के अफेयर के बारे में पता चल जाता है। वो सैम को बहुत मारता है और उसे एक कमरे में बंद कर देता है। जब कैथरीन सैम को छोड़ने की मांग करती है, तो वो उसे भी एक थप्पड़ मारता है। उस बात से गुस्सा होकर कैथरीन बोरिस के खाने में जहर मिला देती है, जिससे बोरिस की मौत हो जाती है। अब एना को शक था कि बोरिस को कैथरीन ने मारा है, इसलिए सैम और कैथरीन थोड़े डरने लगते हैं कि एना कहीं एलेक्स को बता ना दे। एक रात जब कैथरीन और सैम सो रहे थे, तब अचानक कैथरीन की आँख खुलती है और वो देखती है कि एलेक्स लौट आया है। तो वो तुरंत सैम को जगाती है और उसे एक पास वाले रूम में छुपा देती है और बेड पर बैठ के ऐसा दिखावा करती है जैसे वो जाग रही हो। जब एलेक्स आता है, तो उसे बेड के पास एक बेल्ट मिलती है। कैथरीन कहती है कि मुझे ये खेत पर मिली थी, मैं उसे अपने साथ ले आई, पर असल में वो सैम की बेल्ट थी। अब वो उसके लिए चाय बना कर लाती है, पर यहाँ एलेक्स खुलासा करता है कि मुझे पता है कि तुमने मेरे जाने के बाद क्या क्या किया है, तुम एक वेश्या बन गई हो। तब कैथरीन उठती है और सैम को लेकर आती है और एलेक्स के सामने वो उसके साथ खपागप करने लगती है, जिसे एलेक्स को गुस्सा आता है और वो सैम को पीटने लगता है। अब इसी आतापाई में कैथरीन एलेक्स को मार देती है।
एलेक्स को मरा देखकर सैम बहुत डर जाता है। वो उसकी बॉडी को जंगल में दफना देता है। अब इस हादसे से वो दोनों बहुत डर गए थे। सैम कहता है कि जब भी मैं अपनी आंखें बंद करता हूँ तो मुझे एलेक्स की लाश दिखाई देती है। कैथरीन उसे समझाती है और सहारा देती है। वो कहती है कि मैंने ये सब इसलिए किया ताकि हम साथ रह सके। अब इसके बाद सैम और कैथरीन उस घर में ऐसे रहने लगे जैसे ये प्रॉपर्टी उनकी हो। एक दिन एक औरत टेडी नाम के लड़के को लेकर कैथरीन के घर आती है। उसका नाम एग्नेस था। वो ऐसा दावा करती है कि टेडी एलेक्स का बेटा है और ये मेरी बेटी का बेटा है। एलेक्स और मेरी बेटी के बीच रिलेशन चल रहा था और मेरी बेटी की मौत हो गई। इसके बाद टेडी को उसने ही पाल पोस के बड़ा किया है। वो कहती है कि एलेक्स अगर मर गया है तो टेडी इस प्रॉपर्टी का वारिस बनेगा और उसके पास दस्तावेज भी है। तब कैथरीन उसे बताती है कि मेरा पति मरा नहीं है, वो बस लापता है। अब इसके बाद ना चाहते हुए भी कैथरीन को उन दोनों को घर में रखना पड़ता है। अब इस बात से नाराज होकर सैम अपने घर चला जाता है। एक दिन कैथरीन को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है, तो वो ये बात सैम को बताने जाती है, पर सैम उस पर गुस्सा हो जाता है, इसलिए वो वहाँ से चली जाती है। एक दिन किसी बात पर कैथरीन टेडी को डांटती है तो टेडी कहीं चला जाता है, इसलिए सब लोग उसे ढूंढने लगते है। सैम को टेडी मिल जाता है, इसलिए वो उसे घर ले आता है। वो एग्नेस को बताता है कि टेडी एक झरने के पास बैठा था और वो ठंड से मर रहा था, लेकिन एग्नेस उस पर गुस्सा हो जाती है। वो कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस घर में कदम रखने की। तो सैम वहाँ से चला जाता है तो कैथरीन उसके पीछे जाती है और उसे मनाने की कोशिश करती है। सैम उसे कहता है कि मैं यहाँ से चला जाऊंगा, मैं उस लड़के को मारने वाला था जब वो झरने के पास बैठा था, पर मैंने ऐसा नहीं किया। फिर कैथरीन उसे जाने से रोक लेती है। कैथरीन एग्नेस से कहती है कि आप थोड़ी देर आराम करो, तब तक मैं टेडी का ख्याल रखूंगी। तो एग्नेस सोने चली जाती है। उसके जाते ही कैथरीन और सैम मिलकर टेडी को मार देते हैं। इसके बाद सैम जंगल में चला जाता है। उसे इस बात का पछतावा हो रहा था कि उन्होंने एक बच्चे को मार दिया है, जबकि कैथरीन दावा करती है कि मैं सो गई थी, मुझे कुछ भी पता नहीं, जब मेरी नींद खुली तब टेडी मर चुका था। लेकिन गांव के डॉक्टर को उस पर शक होने लगता है। जब इस मामले पर चर्चा की जा रही थी तब सैम जंगल से लौटता है और वो सारी सच्चाई कबूल करता है। वो कहता है कि कैथरीन ने टेडी को मार दिया है और उस हत्या में मैं भी शामिल था। वो कहता है कि उसने एलेक्स को मार दिया और बोरिस को भी जहर देकर मार दिया सिर्फ इसीलिए कि हम दोनों साथ रह सके। मुझे लगा मैं उसे प्यार करता हूँ, पर मैं गलत था। लेकिन कैथरीन कहती है कि वो झूठ बोल रहा है। तब एना कहती है कि ये सच है, इन्होंने ही सारी हत्याएं की है। इसके बाद पुलिस उन दोनों को पकड़ लेती है और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना।